गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैंने व्लॉग काफ़ी लेट शुरू किया है क्योंकि ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट में मैंने फिर से वही खाया था, ओट्स, सबसे आसान एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट से पहले मैंने सोशियोलॉजी निपटाई थी। अब फैब शुरू होने वाला है तो मैं सोशियोलॉजी बंद करने वाली हूँ, अब पूरा प्रीलिम्स पर फोकस करने वाली हूँ। और आज मैं शुरू करने वाली हूँ स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन। अगर आप लोगों की भी एनसीईआरटी रिवीजन कंप्लीट हो चुका है तो फिर आप भी स्टैंडर्ड बुक्स रिवीजन कर सकते हैं। और साथ में पीवाईक्यूज़ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जल्दी से रिवीजन ख़त्म करना है क्योंकि उसके बाद फिर टेस्ट देना शुरू करना होगा ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एंड गाइज देखो, मैं अपनी सारी स्टैंडर्ड बुक्स प्लस मेरी जो पीवाईक्यू की बुक है और मेरे मैपिंग रिसोर्सेज सब मैंने निकाल के रख लिए हैं और अब कुछ दिन यही सब चलने वाला है गाइस, क्योंकि सर्दियां अभी काफ़ी कम हो गई है तो वो टेबल पे भी पढ़ाई करना शुरू कर दिया है, इसलिए टेबल की भी सफाई हो गई है क्योंकि बेड पे पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींद आने लगती है। सो गाइस चलिए अभी सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स 2023 के लिए बिल्कुल फ्रेश रिवीजन स्टार्ट किया है तो मैं बिल्कुल शुरू से ही पढ़ रही हूँ, तो मैंने इसलिए चैप्टर 3 से स्टार्ट किया है स्पेक्ट्रम में पढ़ना। और गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि डेट वगैरह याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजी याद रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि पहले क्या इवेंट हुए हैं, बाद में क्या इवेंट हुए। तो जो ऑर्डर है वो आपको याद रखना ज़रूरी है, डेट्स याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। एंड गाइस, जो लोग अपनी 2024 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या फिर 2023 के लिए भी आप फोकस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फिजिक्स वाला, इनका नाम तो आपने पहले सुना ही होगा। आफ्टर 12th जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स को फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म से काफ़ी हेल्प मिली है। और ऐसे ही अब फिजिक्स वाला लेकर आया है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू कोर्स जिसका नाम है यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराना फिजिक्स वाला का हमेशा से एम रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। एंड गाइस, फिजिक्स वाला अभी कर रहा है 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, जिसमें 21st जैन से 31st जैन तक उन्होंने अपने प्राइसेस को हैविली रिड्यूस किया है, जिसमें आपको अपने ड्रीम्स को पाने का एक और मौका मिल रहा है। एंड गाइस, यहाँ पर सारे कोर्सेज में आपको बहुत हैवी डिस्काउंट मिलेगा, जैसे कि इन कोर्सेज का एक्चुअल प्राइस है ₹8,999 और 31st जनवरी तक ये आपको मिल रहा है 5,999 में, मतलब आपको ₹3,000 ऑफ मिल रहे हैं। एंड गाइस, 26 जनवरी को फिजिक्स वाला के कुछ न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जैसे कि संकल्प 2.0 बैच फॉर 2024 प्रीलिम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये आपका 6 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड है संकल्प 2.0 बैच फॉर 2024 प्रीलिम्स इन हिंदी लैंग्वेज, ये भी आपका 6 फेब को ही स्टार्ट होगा। एंड टाइटन 2.0 बैच फॉर 2024 प्रीलिम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपका 20 फरवरी को स्टार्ट होगा। एंड गाइस, इन कोर्सेज में आपको सीसेट का कोर्स भी मिलेगा, इनका एक्चुअल प्राइस है 19,999, ये आपको मिल रहा है ओनली इन ₹8,999। एंड गाइस, फिजिक्स वाला स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि लाइव लेक्चर्स, एग्जाम फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, डीपीपीज विद डेली लेक्चर्स, टेस्ट, एमसीक्यूज एंड मैनी मोर। और इसके अलावा फिजिक्स वाला के 2 यूट्यूब चैनल्स भी है जहाँ पर आपको सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है। एंड गाइस, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फिजिक्स वाला कोर्सेज परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं GROW500, और इससे आपको इंस्टेंट ₹500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइज, 11 बजने वाले और मेरा मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेशन ख़त्म हो गया, तो अब मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगी। एंड गाइज, जैसा कि मैंने आपको क्रोनोलॉजी के बारे में बताया था, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिसमें आपको इवेंट्स का ऑर्डर पूछा गया होगा कि कौन सा इवेंट पहले हुआ और कौन सा इवेंट बाद में हुआ, तो ये सब आपको हिस्ट्री पढ़ते टाइम ये सब आपको याद रखना ज़रूरी है, इन सब चीज़ों पे फोकस रखना ज़रूरी है। सो गाइस, अभी मैंने कुछ टॉपिक्स की समरी देखी है बुक से जल्दी से रिविज़न करने के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स के कुछ दिए हुए थे यहाँ पे। एंड नाउ मैंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उन पे मैंने सर्कल किया है और जो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उनको स्टार मार्क कर रही हूँ, तो बाद में रेफर करने के काम आएगा। 2 hours later। सो गाइज, अभी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, आपने देख लिया होगा।
और अभी अराउंड 1 बज चुका है और मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने, और फिर इसके बाद का सेशन लंच के बाद स्टार्ट करूँगी। एंड गाइस, लंच में आज मैं बना रही हूँ आलू गाजर मटर की सब्जी और रोटी। एंड गाइस, मैं थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि फिर डिनर में फिर से नहीं बनानी पड़ेगी। सो गाइस, लंच रेडी हो गया है और अभी इसमें डाल लेते घी और जल्दी से लंच करके फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। सो गाइज, अभी 2:17 हो गए हैं और लंच मैंने कर लिया है और अभी मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड गाइज, इस सेशन में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इकोनॉमी का रिवीजन, और फिर साथ ही उसके मैं करूँगी PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी इसी में ही मेरा काफ़ी टाइम लग जाएगा। सो गाइज, मैं बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ रिवीजन, क्योंकि बीच वाले चैप्टर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैंने काफ़ी बार पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन बिल्कुल शुरू से रिवीजन मैंने कम किया है। तो अब मैं यही चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर रही हूँ, और इकोनॉमी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो 2022 में जो क्वेश्चंस आए थे, उनकी मैं एनालिसिस भी देख रही हूँ कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, पैटर्न क्या रहा है, करंट अफेयर्स से कितना है, स्टैटिक से कितना है। तो वो मैं वीडियोस के थ्रू देख के फिर उसको एनालाइज करूँगी और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना रिविज़न करती रहूँगी। आप लोग भी ऐसे ही रिविज़न के टाइम यूट्यूब लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हैं। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. एंड गाइज, अब मैं बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रही हूँ और मैंने 2022 के क्वेश्चंस की एनालिसिस देखी और काफ़ी हेल्प मिली उससे मेरे को समझने में कि आगे मुझे रिवीजन को कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। सो गाइज, मेरा इकोनॉमी वाला सेशन अभी जस्ट ख़त्म ही हुआ है और अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ क्योंकि 5 बज गए हैं, तो अभी चाय पीने का मन कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन शुरू करूँगी। एंड गाइज, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने चाय के साथ बिस्किट खा लिए। एंड चाय पीते पीते मैं कुछ मैपिंग के लेक्चर्स देख रही हूँ यूट्यूब से ही, तो इस तरह से लेक्चर देखने से मैपिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, तो थोड़ा सा टाइम भी यूटिलाइज हो जाता है और चाय पीना भी हो जाता है। सो गाइज, मैंने चाय वगैरह पी ली है और अभी मुझे याद आया कि मुझे कुछ घर का सामान खरीदने जाना था, तो अभी वो मैंने लिस्ट बनाई हुई है तो वही मैं सामान खरीदने जाने वाली हूँ। तो मैं सोच रही हूँ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय। Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So
I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling.